आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पुट ऑप्शन क्या होता है, बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन क्या है। बहुत से जो बिगिनर्स है वो चाहते हैं कि मार्केट तो गिर रहा है लेकिन हम यहाँ से प्रॉफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जो भी स्टॉक को हम खरीदते हैं वो नीचे चला जाता है। तो आज उनके लिए एजुकेशन बेसिस पे ये वीडियो हम लेके आए हैं, जहाँ पे आपको बताएंगे कि पुट ऑप्शन क्या होता है, गिरते मार्केट में इसमें हम कैसे मुनाफा कमा सकते हैं। तो इसके लिए हम आ चुके हैं एंजल वन के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। अगर आपने अभी तक एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो अकाउंट ओपनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में जाके आप सिंपली यहाँ पे फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे डीमैट अकाउंट ओपन करने का एक खास फायदा ये भी होता है कि आपको यहाँ पे इंस्टा ट्रेड का एक फीचर मिलता है। यह फीचर हमको डिस्कवर ऑप्शन पे मिलता है। डिस्कवर ऑप्शन पे जाने के बाद हमको डायरेक्टली यहाँ इंस्टा ट्रेड विंडो के ट्रेड नाउ बटन पे क्लिक करना होता है। जैसे हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं तो ये हमें एंजल वन की ट्रेडिंग विंडो पे लेके जाता है, जो कि इंस्टा ट्रेड की ट्रेडिंग विंडो कहलाती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का पुट ऑप्शन क्या होता है, गिरावट में हम इससे कैसे फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको नीचे दो बटने देखने को मिलती है, बाय कॉल बाय पुट की आपको बटन देखने को मिलती है। तो हम यहाँ पे उसके साइड में आपको ऑप्शन चेन की बटन देखने को मिलती है, तो हम ऑप्शन चेन बटन पे हम प्रेस कर देते हैं। जैसे हम प्रेस करते हैं तो हमको एक हमारे राइट साइड में एक पुट का बटन देखने को मिलता है, जो कि रेड कलर में होता है। नए इन्वेस्टर्स इसमें जो गलती करते हैं उनके बारे में बता देते हैं। अगर हमको लगता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है निगेटिव है, आने वाले समय में मार्केट में वो तगड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि फेड के सेशन की बात करते हैं कि अभी फेड का डेटा आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ब्याज दरें उन्होंने बढ़ा दी है और आगे भी ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती है, तो उस न्यूज़ का इसमें बहुत ही ख़राब इंपैक्ट पड़ा और उसको देखते हुए बैंक निफ्टी जो था तकरीबन 1100 पॉइंट की गिरावट इसने दर्ज की। अगर परसेंटेज में देखते हैं तो इसने 2.67% की गिरावट यहाँ इस इंडेक्स ने दर्ज की। अगर हमारे पास ऐसी कोई न्यूज़ है और हमको लगता है कि मार्केट में हम यहाँ पर प्रॉफिट कैसे ले सकते हैं, क्योंकि अगर हम इस समय का अगर कोई भी शेयर को खरीदेंगे तो हम उसमें नुकसान कर सकते हैं, लेकिन अगर हम यहाँ ऑप्शन का यूज़ करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी का अगर हम यूज़ करते हैं, तो हमको आना होता है गिरावट में, पुट में हमको पोजीशन बनाना होता है। अगर हमको लगता है कि जो मार्केट है ये यहाँ से वो ज़्यादा निगेटिव आ सकता है, वो ज़्यादा गिरावट हमको देखने को मिल सकती है, तो इस समय हम जो ऑप्शन का डेटा इसको हम प्ले कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ बात करते हैं निफ्टी की, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि इस समय निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिखाई है। अगर निफ्टी का 40,000 का पुट अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो आपको यहाँ नीचे देखने को मिल रहा है कि 40,000 का जो पुट है इस समय 705 के प्राइस पे हमको देखने को मिलता है। तो अगर मार्केट में हमारा सेंटीमेंट निगेटिव है तो हम 40,000 का जो पुट का जो LTP है इसके ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास 40,000 का जो पुट है इसका चार्ट ओपन हो जाता है। नीचे आपको बाय बटन देखने को मिलती है और नीचे सेल बटन देखने को मिलती है। अब हम ये देखते हैं कि 29 तारीख को ये जो ऑप्शन था इसमें हमको कितनी शानदार तेज़ी बनते हुए नजर आई। तो अगर हमारा व्यू मार्केट में ठीक ठाक है तो आप देख सकते हैं यहाँ कि जो 29 तारीख को मार्केट ओपन हुआ था, और सॉरी 23 तारीख को जो मार्केट ओपन हुआ था 9:15 पे, उस समय इस ऑप्शन की जो वैल्यू थी ये 263 का इसने ओपन किया था, 348 का हाई लगाया था और 255 का लो लगाया था। अगर इस पोजीशन को अगर हाई पॉइंट पे भी अगर बाय करते हैं 350 रुपये के प्राइस के आसपास में, तो 350 के प्राइस से इसको देख सकते हैं तो इसने जो हाई लगाया है ये 800 से ऊपर का इसने हाई लगाया है। अगर हमारा व्यू मार्केट में अच्छा खासा है, हम मार्केट में अच्छा एनालिसिस करते हैं, हमको आता है, तो गिरते मार्केट में भी हम पुट बाय करके हम यहाँ से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो पुट ऑप्शन किस प्रकार से बाय करना है इसके बारे में आपको बता देते हैं कि जैसे आपने यहाँ पे चार्ट लगाया है 40,000 का पुट का, और अगर हम इसको बाय करते हैं, सपोज़ अगर मान लो कि इसको हमने 350 रुपये की प्राइस पे, हमने इसका एक लॉट में 25 क्वांटिटी आती है, इसको 350 रुपये की प्राइस पे हमने जैसे परचेस किया, तो हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट लगना है ये 8,750 लगना है। अगर हम हमारी पोजीशन को इंट्राडे रखना चाहते हैं तो हमको इंट्राडे ऑप्शन का यूज़ करना होगा। इंट्राडे ऑप्शन का मीनिंग ये होता है कि हमको हमारी पोजीशन 3:14 TS से पहले हमको समाप्त करना होगा। अगर हम पोजीशन को होल्ड करना चाहते हैं 3:15 के बाद 3:29 तक के लेके जाना चाहते हैं, या अगले दिन तक के होल्ड करना चाहते हैं, या पूरी एक्सपायरी तक के होल्ड करना चाहते हैं 29 सितंबर तक के, तो हम कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन का यूज़ करेंगे। उस समय हमारी जो पोजीशन है हम कैरी फॉरवर्ड ऑप्शन पर लेंगे, तो इस समय भी जो हमारा अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन है ये भी सेम लगता है, 8,750 रुपये लगता है।
और हम यहाँ पे पोजीशन बाय कर लेंगे। और इसके हिसाब से जो हमारी पोजीशन 8,700 में बनी थी, इसने लगा था 800 का हाई। तो हम देखते हैं कि जो 8,700 की या 9,000 रुपये की मान लेते हैं पोजीशन, वो उसका अगर हाई पे हम देखते हैं तो इसका जो हाई बन जाता है ये 20,000 का बन जाता है। और अगर करंट प्राइस जो इसकी चल रही है, करंट प्राइस में हम देख लेते हैं 705 पे, तो ये 17,650 का है। तो इस समय का हमारा मार्केट का व्यू डायरेक्शन ठीक ठाक है, हमको मार्केट का अच्छा एनालिसिस करते आता है, हमको लगता है कि मार्केट में तेज गिरावट आ सकती है, तो हम पुट ऑप्शन के साथ जा सकते हैं और उस गिरावट का हम लाभ ले सकते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपके सिर्फ एजुकेशन के लिए है, यहाँ पे किसी भी व्यक्ति को ऑप्शन खरीदने की या बेचने की सलाह नहीं दी जाती है, ना ही आपको यहाँ पे शेयर खरीदने या बेचने की सलाह दी जाती है। आप अपने एनालिसिस के आधार पर शेयर में ट्रेडिंग कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो जानकारी आपको पसंद आई होंगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। नमस्कार।